here is the typical section of a slow sand gravity filter as you can see it here first look at this picture so that you will can get a clear view of the slow sand gravity filter ये आप अच्छे से एक बार देख लीजिए पहले हम डिस्कस करेंगे वेरियस इसके कंस्ट्रक्शंस जो स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स के लिए हमने यूज किया पहले आप देख रहे हो ये एक रेक्टेंगुलर टैंक है जिसको हम इंक्लोजर टैंक बोलते हैं ठीक है थीके, इसका जो डेप्थ होता है वो अराउंड 2.5 से 3.5 मीटर पर है और जिसका एरिया होता है ये 100 से 100 मीटर स्क्वायर से 2000 मीटर स्क्वायर तक का वेरी करता है फॉर स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर फर्स्ट थिंग ये तो बात हो गई हमारे इंक्लोजर टैंक की अब बात करते हैं हम यहाँ पे सैंड की जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं ये जो मटेरियल है ये 90 सेंटीमीटर का है ठीक है इसकी डेप्थ जो थी 90 से 120 सेंटीमीटर तक हम वेरी कर सकते हैं सैंड की डेप्थ इसके बाद क्या है कि ऐसा नहीं है कि हम पूरे जो, जो जितना 90 सेंटीमीटर या 120 सेंटीमीटर तक की डेप्थ तक हम लोग नहीं की में प्लेस करेंगे, उनका को वेरी करेंगे जो फाइनर साइज के जो सैंड पार्टिकल्स है उनको लेयर में रखेंगे ताकि मैंने पहले भी जब हम लोग ने बात की थी मैकेनिकल स्ट्रेनिंग में तो हम लोग ने क्या बोला था जो बड़े वॉइड्स है वो ऊपर ही रह जाएंगे और हम उसको स्ट्रेनिंग एक्शन रिमूव कर देंगे इसलिए जो फाइनर सैंड पार्टिकल्स है वो टॉप मोस्ट लेयर में रहेंगे फिर मीडियम साइज पार्टिकल्स और उसके बाद भी कोर्सर पार्टिकल्स ऑफ द सैंड फाइन उसके बाद अगर हम बात करें बेस मटेरियल की जो मैंने ब्लू से बनाई है ग्रेवल है फाइन आई राइट इट हियर वैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है थर्टी टू सिक्सटी सेंटीमीटर ग्रेवल कभी कभी सिक्सटी से नाइन्टी सेंटीमीटर भी वेरी करता है ये भी ऐसे ही प्लेस होगा सैंड की जैसे ये भी जनरली तीन से चार लेयर्स में फिफ्टीन टू ट्वेंटी सेंटीमीटर डेप्थ की लेयर्स में प्लेस होता है इसमें भी जो फाइनल ग्रावल के पार्टिकल्स हैं वो टॉप मोस्ट लेयर में रहते हैं और जो कोर्सर पार्टिकल्स है ग्रेवल के वो बॉटम में रहते हैं इसके अलावा हमारे पास क्या है यहाँ पे लेटरल ड्रेन्स हैं और एक मेन ड्रेन है इसके बारे में हम बात करेंगे इसकी वर्किंग क्या होती है इसके अलावा हमारे पास एक इनलेट अरेंजमेंट है और एक हमारे पास आउटलेट अरेंजमेंट है तो ये सब मैंने क्या बताया आपको कंस्ट्रक्शन बताया स्लो सैंड फिल्टर का ये सब चीजें तो हमने डिस्कस कर ली अब बारी आती है एक चीज और जो मैंने बोला अभी आपको कि हम लोग सैंड की बात करते हैं तो इसमें जो डी टेन होता है इफेक्टिव साइज पार्टिकल्स का जिसमें टेन परसेंट पार्टिकल्स पास कर जाते हैं वो अराउंड पॉइंट टू से पॉइंट फोर होता है किसके केस में स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स के केस में ये जो वैल्यू है हमारी सी यू की यूनिफॉर्मिटी को इफिशेंट की जो वैल्यू है ये चेंज सॉरी जो डी टेन की वैल्यू है पॉइंट टू से पॉइंट फोर की ये वैल्यू चेंज होती है जब हम रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स की बात करेंगे इसके साथ

आप इससे पहले ध्यान से मैं आपको सबकी लेबलिंग्स बता देती हूँ ये सबसे पहले इनलेट वाटर है जो सेडिमेंटेशन टैंक से आ रहा है स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स के केस में एक बात आप बहुत इंपॉर्टेंटली याद रख लीजिए हम लोग वो पानी जो सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन से आया है उस पानी को यूज नहीं करते हम सिर्फ प्लेन सेडिमेंटेशन से आए हुए पानी को यूज करते हैं क्योंकि सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन से आया पानी फिल्टर बेड को क्लॉक कर देता है और एफिशिएंटली स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर परफॉर्म नहीं कर पाता इसीलिए जब आप स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स की बात करते हो तो प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक का पानी ही आप यूज करोगे फिल्टरेशन के लिए अब ये बस इनलेट वॉल्व है नीचे हमारे एक कॉन्क्रीट का बेस है ये एक इनलेट चेम्बर आप देख सकते हो यहाँ पे वाटर जो फिल्टर होने वाला है उसे रखा गया है ये सैंड की लेयर है ये ग्रेवल की लेयर है आप देख रहे हो फाइनल ग्रेवल टॉप पर है कोर्सर ग्रेवल बॉटम पर है यहाँ पर आपके ये अंडर ड्रेन्स है ये अंडर ड्रेनेज सिस्टम है ये जो ड्रेन है ये थ्री टू फाइव मीटर अपार्ट है और ये जो होते हैं एक स्लोप पे प्रोवाइड होते हैं फाइन ताकि ये जो अंडर ड्रेन होते हैं ये एक मेन सेंट्रल जो छोटे छोटे अंडर होते हैं जो पानी को प्यूरीफाई करते हैं ये मेन ड्रेन तक लेके जाते हैं जहां से ये एक फिल्टर्ड वॉटर वेल में चला जाता है फाइन और उसके बाद ये हमारे पास एक टेलीस्कोपिक ट्यूब है अब इसकी वर्किंग कैसे होती है पहले ये समझते हैं इलेट वाटर फ्रॉम प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक यहाँ से आता है इलेक्ट चेम्बर पे जाता है फिर उसके बाद ये इस पोर्शन में जाता है जहां पे वाटर को फिल्टर करना है इसकी डेप्थ को हमको देखना पड़ेगा मॉनिटर करना पड़ेगा फाइन ताकि ओवरबर्डन ना हो फिल्टर के ऊपर क्या होता है अगर आप एट अ टाइम बहुत ज्यादा पानी फिल्ट्रेशन के लिए फिल्टर बेड्स में डाल दोगे तो वो एफिशेंटली परफॉर्म नहीं कर पाएगा फाइन तो यहां पर क्या है आपको देखना है कितना वाटर फिल्टर करना है उसको भी मॉनिटर करना है उसके बाद यहाँ पे जो वाटर है जिसको फिल्टर करना है वो सैंड की डिफरेंट लेयर से पास होगा तो इसमें वही मैके स्टेयरिंग फ्लॉक्यूलेशन सेडिमेंटेशन उसके बाद हमारा बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म इलेक्ट्रोलाइटिक चेंजेस ये सब होंगे उसके बाद जो सैंड से जो वाटर है वो सीप करेगा परकोलेट करेगा ग्रेवल में ग्रेवल से उसके बाद वो जाएगा हमारे जो मेन अंडर ड्रेन से अंडर ड्रेन से वो बहुत सारे अंडर ड्रेन से जो पानी जाएगा हमारे एट अ स्लोप में मेन ड्रेन पर फाइन अब मेन ड्रेन से पानी हम किस में लेके चले जाएंगे फिल्टर्ड वाटर वेल में जहां पानी इकट्ठा हो जाएगा अब आप पूछ सकते हो ये टेलीस्कोपिक ट्यूब का काम क्या है टेलीस्कोपिक ट्यूब जो है वो मॉनिटर करता है कांस्टेंट डिस्चार्ज ऑफ वाटर प्रॉपर क्वांटिटी में वाटर फिल्टर हो रहा है कि नहीं फाइन उन सब के लिए हम लोग एक एडजस्टेबल टेलीस्कोपिक ट्यूब रखते हैं फाइन और उसके बाद जो वाटर जो प्योरीफाई हो जाता है उसको हम रिजर्वायर में सप्लाई कर देते हैं अब ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है अंडर ड्रेन्स और ये जो मेन सेंट्रल ड्रेन इसको एक बार हम इसका प्लान देख लेते हैं अब आप, आप इस पर फोकस कीजिए ताकि आपको क्लियर व्यू हो जाएगा कि ये होता क्या है यहाँ पे आप देख रहे हो इनलेट चेम्बर है ग्रेवल के नीचे तो ये बहुत सारे क्या है आपके लेटरल ड्रेन्स है आप देख रहे हो ये सब छोटे छोटे लेटरल ड्रेन्स है ये क्या होता है आटर इंक्लिनेशन प्रोवाइड हो जाता है ताकि ये मेन सेंट्रल ड्रेन को पानी सप्लाई कर सके फाइन ये मेन सेंट्रल ड्रेन्स को पानी सप्लाई कर देते हैं बट यहाँ पे ये यह जो चेम्बर है ये यहाँ पे मैंने लिखा 50 टू 60 सेंटीमीटर जो टैंक के वॉल्स है उससे दूर रहना चाहिए फाइन उसके बाद हमारे पास एक आउटलेट वेल well होता है जहाँ से जो मेन ड्रेन से पानी से को हम रिजर्वायर में सप्लाई के लिए ले जा सकते हैं या फिल्टर्ड वाटर वेल में ले जा सकते हैं फाइन तो ये आपका प्लान है अंडर ड्रेनेज सिस्टम का ये मैंने क्लियरली बना दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि लेटरल ड्रेन क्या होती है और मेन ड्रेन क्या होता है ये फंक्शन कैसे करते हैं इसलिए अगर आप चाहते हो कि लेटरल ड्रेन्स का पानी है तो एट अ स्लोप आप प्रोवाइड कर देते हो टू द मेन सेंट्रल ड्रेन ड्रेन को आप एट अ स्लोप में प्रोवाइड करते हो टू द मेन सेंट्रल ड्रेन और इसके बाद ये लोग एक दूसरे से थ्री टू फाइव मीटर्स की दूरी पर रहते हैं फाइन तो ये हमारा क्या था पूरा टिपिकल uh, सेक्शन था स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स का इसकी वर्किंग सिंपल है सिर्फ पानी इलेट चेंबर से आता है सबसिक्वेंट स्टेजेस में पास करता है मेन लेटरल ड्रेन से मेन ड्रेन में मेन ड्रेन से फिल्टर्ड वाटर वेल में और वहां से रिजर्वर में यहाँ पर आपको एक हेड लॉस भी मिलता है अब बारी आती है ये हेड लॉस मिलता है तो ये हेड लॉस का क्या रोल है अब आप कंसिस्टेंटली अगर आप फिल्ट्रेशन के लिए स्लो सैंड फिल्टर्स को यूज़ करते हो नो no डाउट इसकी एफिशिएंसी बैक्टीरियल रिमूवल की 98 एट टू नाइन्टी परसेंट होती है ठीक है हमको बहुत ही हाई क्वालिटी ऑफ वाटर मिलता है इम्प्यूरिटीज़ बहुत मिनिमम हो जाती है बट इसके साथ साथ क्या होता है लॉस क्यों होता है जब आप रिपीटेडली वाटर को फिल्टर करते हो इससे तो सर्टेन टाइम के बाद जो होता है सैंड की एफिशिएंसी कम हो जाती है ठीक है तो उस केस में आपको क्लीनिंग करनी पड़ती है स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स की अब आप पूछोगे हमको कब पता चलेगा कि क्लीनिंग करनी है तो जब लॉस या फिल्टर हेड हमारा पॉइंट मीटर से वन 0.2 मीटर्स के बीच हो जाता है, तब हमको क्लीनिंग करनी पड़ती है स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स की इसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं जब ये 0.7 टू 0.8 टाइम्स हो जाता है डेप्थ ऑफ सैंड के जो डेप्थ है सैंड मीडिया के सैंड फिल्टर मीडिया के तब भी आपको हेड लॉस करना सॉरी uh, तब भी आपको क्लीनिंग करनी पड़ती है यहाँ पर क्या है जब हम लोग रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स की बात करेंगे तब वहाँ पर बैक वॉशिंग करनी पड़ती है पीछे से पानी देना पड़ता है ताकि जो इम्प्योरिटी सैंड में है वो रिमूव हो जाए वो हम पढ़ेंगे जब हम रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स पढ़ेंगे बट जब हम स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बैक वॉशिंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है फिफ्टीन टू थर्टी सेंटीमीटर वन सॉरी वन टू थ्री सेंटीमीटर ऑफ सैंड की जो लेयर होती है आप उसको रिमूव कर दीजिए जो शुरू की क्योंकि सबसे ज्यादा हमने बोला था जो फाइनर सैंड के पार्टिकल्स है वो सबसे टॉप मोस्ट लेयर में रहेंगे बिल्कुल सही तो उसी लेयर में तो सबसे ज्यादा डर्ट पार्टिकल्स होंगे उसी लेयर में सबसे ज्यादा इंप्योरिटीज होगी तो आप क्या करो वन से थ्री सेंटीमीटर ऑफ सैंड को रिमूव कर दो और उसकी जगह फिर से फाइनर सैंड ले आओ फाइन अब क्या हुआ इसके बाद आपको कितना पानी रिक्वायर्ड होता है इसको फिल्ट्रेशन में मतलब बैक वॉशिंग सॉरी बैक वॉशिंग तो नहीं बोल सकते यहां पर इसके इसमें हम बोल सकते क्लीनिंग ऑफ स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर की. तो आपको 0.2 टू ऑफ द वाटर जो पानी आपने फिल्टर किया है अगर आपने 100 लीटर पानी फिल्टर किया है तो उसका 0.2 से 0.6 परसेंट पानी को आपको यूज करना है इसकी क्लीनिंग के लिए फाइन अब आपको क्लीनिंग जनरली डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट ऑफ वाटर फिल्टर कर रहे हो पहली चीज़ और दूसरी चीज़ एक से तीन महीने आप मान के चलो उसमें आपको क्लीनिंग करनी पड़ती है स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स के केस में फाइन तो आपको पता चल गया बैक वॉशिंग के लिए पानी भी बहुत कम रिक्वायर्ड होता है बैक्टीरियल रिमूवल एफिशंसीज की ज्यादा होती है फाइन पर इसमें एक ड्रॉबैक आप ये देखिए कि इसको 100 मीटर स्क्वायर से 2000 मीटर स्क्वायर तक का एरिया चाहिए रहता है तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा एरिया चाहिए होता है स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर को डिजाइन करके उसमें वाटर प्यूरिफाई करने के इसके साथ इसमें एक ड्रॉबैक ये भी है कि ऑल्डो इसमें बैक्टीरिया रिमूवल एफिशिएंसी ज्यादा होती है फाइन बट इसके साथ ही जो इसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है ये कितना पानी पर घंटे पर आवर पर मीटर स्क्वायर एरिया के लिए सप्लाई कर सकता है वो थर्टी टाइम्स कम होता है एज कंपेयर

इसके बाद जो डेप्थ होती है वो हमारी 2.5 से 3.5 मीटर की होती है जो प्लान होता है एरिया होता है जहाँ पे ये सेटअप होता है स्लोस एंड ग्रेविटी फिल्टर्स का वो अराउंड 100 टू तो 2000 मीटर स्क्वायर होता है इसके बाद अगर आप फिल्टर मीडिया की बात करो जो मैंने अभी बात की थी फिल्टर मीडिया हमारा क्या ऑब्वियसली सैंड की लेयर है तो सैंड लेयर क्या होता है 90 से 110 सेंटीमीटर की इसकी डेप्थ होती है है पर ये और इसका जो इफेक्टिव साइज साइज हंड्रेड एंड टेन सेंटीमीटर ये आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि जो वैल्यू है इफेक्टिव साइज की और यूनिफॉर्मिटी की ये वेरी करेगी जब आप रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स की बात करोगे तो यहाँ पे जो यूनिफॉर्मिटी को सी यू दैट इज डी सिक्सटी अपॉन डी ये वेरी करता है

अब बात करते हैं हम बेस मटेरियल की जो कि हमारा ग्रावल है ग्रावल में भी सेंटीमीटर थिक ग्रावल है। कभी कोई कोई आपको 30, 60 टू 90 सेंटीमीटर भी मिल जाएगा फाइन तो हमने एक ब्रॉडर रेंज लेके चल लिया थ्री टू फोर लेयर्स होते हैं हर किसी का कितना डेप्थ होता है फिफ्टीन टू ट्वेंटी सेंटीमीटर डेप्थ का होता है आर यूज कोर्स ग्रेवल लेयर बॉटम में रहती है फाइनेस्ट ग्रेवल लेयर टॉप में रहती है फाइन और जो ग्रेवल का एक काम ये भी होता है कि ये सैंड की लेयर्स को सपोर्ट करता है और जो ग्रेवल है उसके नीचे हमारे लेटरल ड्रेन और मेन ड्रेन रहता है इसके बाद हमारा अंडर ड्रेनेज सिस्टम है जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ अंडर ड्रेनेज मतलब वही लेटरल ड्रेन और मेन सेंट्रल ड्रेन इसके बाद हमारा इनलेट और आउटलेट अरेंजमेंट है तो ये सब क्या है? हमारा कंस्ट्रक्शन है स्लो सैंड फिल्टर्स का जो अभी हमने डील कर लिया है ये हमारा टिपिकल सेक्शन है स्लोस एंड ग्रेविटी फिल्टर्स का आई होप आपने बना लिया होगा इस डायग्राम को इसके बाद आपको बनाना था

फिल्टर हेड का जो लॉस है तो आपको फिल्टर यूनिट uh, को फिर से क्लीन करना पड़ेगा सेकेंड पॉइंट द क्लीनिंग ऑफ द स्लो सैंड फिल्टर इज नॉट डन बाय बैक वॉशिंग जो हम बैक वॉशिंग कब करते हैं जब हम रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स की बात करते हैं बट इज डन बाय स्क्रैपिंग 1.5 टू 3 सेंटीमीटर टॉप सैंड लेयर्स जो शुरू की जो 1.5 से 3 सेंटीमीटर लेयर होती है सैंडलेयर जो मैंने अभी आपको फिर से रिपीट करूं फाइनल सैंड के पार्टिकल्स है हम उसको स्क्रैप कर देते हैं उसको रेक करते रेकिंग एक्शन के थ्रू रिमूव कर देते क्लीन करते और वॉश करते गुड वाटर से गुड वाटर मतलब फिल्टर्ड वाटर जो हमने फिल्टर किया जो अमाउंट ऑफ वॉश वाटर जो रिक्वायर्ड होता है इस काम के लिए जब आप क्लीनिंग करते हैं उसको वो पॉइंट टू से पॉइंट सिक्स परसेंट होता है ये वैल्यू डिफरेंट क्यों होती है क्योंकि स्लो सैंड फिल्टर फिल्टर्स के केस में जो वाटर रिक्वायर्ड होता है वॉश वाटर वो कम होता है जब हम रैपिड सैंड फिल्टर्स की बात करेंगे तब हम एक कंपेरिजन भी करते जाएंगे

आप उस पानी को यूज नहीं करोगे नाउ यू कैन आस्क मी मैम क्यों अब तो आपने 1.5 से 3 सेंटीमीटर लेयर्स को रिमूव कर दिया है क्लीन भी कर दिया तो क्या प्रॉब्लम है यूज करने में क्योंकि क्या होता है जब आपने रिमूव कर दिया लेयर का तो जब हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म तब हमने पढ़ा था कि जो बैक्टीरिया होता है वो एक स्मार्ट स्टेक या डर्टी स्किन फॉर्म करते हैं जिसमें बाकी सस्पेंडेड इंप्यूरिटीज अटैच हो जाती है तो जब आप शुरू का ये पानी ले लोगे तब तो प्रॉपर अमाउंट में बैक्टीरिया भी प्रेजेंट नहीं होगा उसके ऊपर एल्गा और प्लेंक्टन को उसका जो फूड है सर्वाइवल का उसने वो भी खाया नहीं होगा तो कहाँ से आपको फिल्टर्ड वाटर मिलेगा उस पानी को तो प्रॉपरली फिल्टर ही नहीं होगा इसीलिए जब हम क्लीनिंग करते हैं वॉश वाटर के थ्रू उसके बाद 24 टू 36 आवर्स का पानी आप कंजम्पशन के लिए यूज नहीं कर सकते यू विल अलाउ द डर्टी स्किन और द स्मट स्टेट टू बी फॉर्मड इन द सैंड लेयर्स अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकेंड पॉइंट के बाद थर्ड पॉइंट जैसे मैंने आपको अभी बताया था इट मे बी नोटेड दैट द वॉटर एंटरिंग द स्लो सैंड फिल्टर शुड नॉट बी ट्रीटेड बाय कोगल क्यों दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द डर्टी स्किन मतलब स्मार्ट स्टिक फॉर्म बाय द फ्लॉक से जो फॉर्म होता है एंड कैरेट टू द फिल्टर अफेक्ट करता है हमारी इकोनॉमिकल वर्किंग ऑफ द फिल्टर इसके बाद मैंने आपको क्या कहा था रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो होता है स्लो सैंड फिल्टर्स का कम होता है एज कंपेयर टू द रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स यही एक मेन रीजन है जिसके कारण हम इसको यूज नहीं कर सकते और जो एरिया जो होता है टैंक का वो भी ज्यादा होता है तो जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है यहाँ पे ये हंड्रेड टू टू लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर है मतलब एक मीटर स्क्वायर में एक घंटे में सिर्फ ये सौ से दो लीटर पानी देगा जो कि बहुत कम होता है फाइन अगर अब उसकी बात करें एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस की स्लो सैंड फिल्टर्स की हाईली एफिशिएंट इन रिमूविंग बैक्टीरिया जो कि भी हमने डिस्कस कर लिया था एंड अदर सस्पेंडेड सॉलिड्स फ्रॉम रॉ वाटर इसके बाद ही जो एक्सटेंड होता है बैक्टीरियल वो नाइनटी एट से नाइनटी नाइन परसेंट होता है समटाइम्स अप टू सो आप देख सकते हो ये कितना एफिशियंट है थर्ड ये जो फ़िल्टर्स है ये रिमूव करता हमारा ओडर टेस्ट को रिमूव कर सकता है स्पेशली जो ओडर टेस्ट क्या होता है कभी कभी एलगाय प्लैंगटॉन प्रेजेंट रहता है उसके कारण आता है तो स्पेशली अगर जो ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज है जैसे कि एलगाई प्लैंगटॉन इसके कारण वो रिमूव कर देता है ओडर टेस्ट बट इसने ओडर और टेस्ट रिमूव कर लिया बट ये कलर इतना अच्छे से रिमूव नहीं कर पाता है ज कम्पेयर टू द रैपिडी फिल्ट दूसरी चीज ये टर्बिडिटी अपनी ज्यादा को नहीं सो दैट वीव रिटर्न दीज फिल्टर आर लेस एफिशियंट इन रिमूविंग कलर्स ऑफ रॉ वॉटर हाउ एवर दे केवर आगे ओनली आप टू फिफ्टी एम जी पर लीटर और सो एंड दे फोर नॉट सुटेबल फॉर सेडिमेंटेड वाटर हैविंग टर्बिडिटीज ग्रेटर देन फिफ्टी टू सिक्सटी एम जी पर लीटर पचास से साठ एम जी पर लीटर से ज्यादा की टर्बिडिटी होगी तो आप स्लोस एंड ग्रेविटी फिल्टर्स को यूज नहीं कर सकते अगर आपके पास बड़ा एरिया नहीं है सेटअप के लिए तो भी आप स्लोस एंड ग्रेविटी फिल्टर्स को यूज नहीं कर सकते लार्ज पॉपुलेशन के लिए आपको वाटर सप्लाई करना है पर इसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम है स्लोस एंड ग्रेविटी फिल्टर्स का तो भी आप स्लोस एंड ग्रेविटी फिल्टर्स यूज नहीं कर सकते तो आज हमने पहले थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन पढ़ लिया है, स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स पढ़ लिया है, नेक्स्ट वील बी डीलिंग विद द रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स